नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए कॉपरेटिव इंस्पेक्टर पीपीएससी के एग्ज़ाम की जी के लेके हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, यानी कि इसका जो पहले जो एग्ज़ाम हो चुका है कॉपरेटिव इंस्पेक्टर, उसमें ये जी के आ सकती है, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अभी जितने भी पंजाब गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो रहे हैं और जो कॉपरेटिव इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होने वाला है, तो बात करिए सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में। द प्रेजिडेंट ऑफ साउथ कोरिया इज़, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है किम जोंग यून। द प्रेजिडेंट ऑफ साउथ कोरिया इज़ किम जोंग यून। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिसेंटली अपॉइंटेड न्यू प्रेजिडेंट ऑफ क्यूबा इज़ रॉयल कैस्ट्रो। रॉयल कैस्ट्रो, द रिसेंटली अपॉइंटेड न्यू प्रेजिडेंट ऑफ क्यूबा इज रॉयल कैस्ट्रो। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। द आर्म फोर्स स्पेशली प्रोटेक्शन एक्ट AFSP हैज़ कम्प्लीटेड रिमूव्ड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फ्रॉम March 31st। तो कौन से स्टेट से हुआ जी ये? ऑप्शन नंबर ए मेघालय। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड प्रेसिडेंट ऑफ चाइना जिंग जिंगपिंग रिसेंटली इन अप्रैल 2018 मीट इन विच सिटी ऑफ चाइना। ये कौन सी सिटी है? वुहान। ठीक है, जहाँ से हमको ये कोविड का जो सारा सिम्टम है वो चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ पंजाब कला परिषद? ठीक है जी, कौन है? सुरजीत पात्र। सुरजीत पात्र इज़ द चेयरमैन ऑफ पंजाब कला परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली कंक्लूडेड कॉमनवेल्थ गेम 2018 वर हेल्ड एट गोल्ड कोस्ट। द रिसेंटली कंक्लूडेड कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 वर हेल्ड एट गोल्ड कोस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिसेंटली कंट्रोवर्सी इन्वॉल्विंग द मिस यूज ऑफ पर्सनल डाटा ऑफ यूजर बाय फेसबुक हैज विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश मार्केटिंग फर्म एट द सेंटर ऑफ द कंट्रोवर्सी? कैम्ब्रिज एनालिटिका। ठीक है जी, कैम्ब्रिज एनालिटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉमन टीवी रिमोट कंट्रोल विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स? द कॉमन टीवी रिमोट कंट्रोल विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स? तो ये कौन सी वेव्स है? इंफ्रारेड वेव्स। ठीक है, इंफ्रारेड वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट अल्ट्रासोनिक वेव और अल्ट्रासोनिक साउंड? तो कौन सी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर बता रहे हैं। क्या जी? द मोस्ट वेल नोन एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड इज टू बींग यूज इन सोनोग्राफी टू प्रोड्यूस पिक्चर ऑफ फॉर यूज इन द ह्यूमन वॉम। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी सेंट एन 11th पॉइंट अल्टीमेटम टू लॉर्ड इरविन बिफोर स्टार्टिंग द सिविल डिसऑबिडिएंट मूवमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट इंक्लूडेड इन इट? कौन सा नहीं है जी? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, प्रोहिबिशन ऑफ काउ स्लॉटर एंड यूज ऑफ खादी। प्रोहिबिशन ऑफ काउ स्लॉटर एंड यूज ऑफ खादी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द ऑथोराइजेशन फॉर द विड्रावल ऑफ फंड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मस्ट कम फ्रॉम द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ। The authorization for the withdrawal of fund from the consolidated fund of India must came from the Parliament of India. Next question. Which of the following pairs are correctly matched? कौन से third और fourth बताए जा रहे हैं? कौन सा? राजा राधा कंदा देव। कौन सा? ये oppose the abolition of practice of sati. और next, Syed Ahmed Khan, founder of the Muslim League in 1906. ठीक है जी, next question. मैच द फॉलोइंग में से कौन सा सही है? करेक्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, सबसे पहले फोर्थ आएगा, फिर थर्ड, फिर सेकंड और फिर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। द गदर गदर वाज क्या जी? रेवोल्यूशनरी एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद हेडक्वार्टर एट सैन फ्रांसिस्को। रेवोल्यूशनरी एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद हेडक्वार्टर एट सैन फ्रांसिस्को। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिगेन विद द गांधी मार्च? कौन सी सिविल डिसऑबिडिएंट मूवमेंट? कौन सी मूवमेंट इसके साथ चली गांधी मार्च के? सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है कौन सा? विलियम बेंटिक बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1833। विलियम बेंटिक बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1833। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें भी आपको करेक्ट बतानी है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है क्या? इंडियन नेवी रिवॉल्ट 1946 टुक प्लेस व्हेन द इंडियन सेलर इन द रॉयल इंडियन नेवी एट बॉम्बे एंड कराची रोज अगेंस्ट द गवर्नमेंट। यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट। कंसीडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी? कौन सा? टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन। टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लोबल एग्रीमेंट इन स्पेसिफिक कंट्रोल स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस द रिलीज ऑफ ओजोन डेप्लिटेशन सब्सटेंसेस वाज अडॉप्टेड बाय मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कौन से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल द्वारा क्या किया गया था? ग्लोबल एग्रीमेंट इन स्पेसिफिक कंट्रोल स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस द रिलीज ऑफ
ओजोन डेप्लिकेटिंग सब्सटेंसेस वाज अडॉप्टेड बाय मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच द फॉलोइंग इज करेक्ट, सिटीज कौन से, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। इट कंटेन प्रोविजन टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ स्पीसीज फ्रॉम इलीगल ट्रेड, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड क्लाइमेट चेंज, और सेकंड इट रिलीज ए डेड लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज विद द हेल्प ऑफ आइकन। नेक्स्ट, विच द फॉलोइंग स्पीसीज इन इंडिया आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड अकॉर्डिंग टू रिसेंट IUCN रेड लिस्ट। कौन सी है, इंडेंजर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों ही हैं जी। कौन सी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सिलिबेरियन क्रेन और बियर पोचार्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म गोल्डन लॉक जोन इज ऑफ्टन सीन इन द न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सर्च ऑफ द अर्थ लाइक प्लैनेट इन आउटर स्पेस। ठीक है दोस्तों, ये था तकरीब 15 के करीब बहुत ही इंपॉर्टेंट GK के जो MCQs है, जो कि प्रीवियस ईयर कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर एग्जाम में आ चुके हैं। आशा करते दोस्तों आपको जो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, ऐसी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नई सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद।